सर्दियों का मौसम चल रहा है, हमारा अर्थ घूम गया ना दूसरी तरफ, अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुंह से दूर हो गया, कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की दोबारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी, जमीन तो साकी ना बेटा, जमीन तो रोटेट रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा, साइंस क्या, साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है, और आला हजरत जो हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश होता होगा, साकिन का स्टैटिक, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत इस्लाम और दीन की बात ही की है, ठीक है बेटा। अब आ जाए वो आला हजरत की उस मशहूर जमाना किताब जमीन साकिन है, जो 1920 में उन्होंने लिखी, और आज बरेलवी उलमा उसका दिफा करके उम्मत को ये बता रहे हैं कि अगर आपने जमीन को साकिन ना माना तो आप कुरान के खिलाफ हो जाएंगे। और सिर्फ बरेलवी इसमें सिंगल आउट नहीं है, देवबंदियों का भी यही अकीदा है, यही अकीदा जो है वो अहले हदीस का भी है। अहले हदीस के सलफी सऊदी अरब के उलमा के बाकायदा फतवे रिटन में छपे हुए हैं, उनकी तकरीरें रखी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, कि जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई जमीन साकिन है, कुरान यही बताता है। तो उनके जो मेन दलाइल है ना वो मैं डिस्कस करता हूं, जिसके ऊपर पूरी किताब खड़ी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने गलती कहां पर खाई है। उन्होंने अकली दलाइल भी दिए हैं, नकली दलाइल भी दिए हैं, नकली दलाइल से मुराद कुरान और सुन्नत की नकल से जो है, ये पंजाबी वाली नकल नहीं है, फिर कहना है गुस्ताखी हो गई है, तो ये नकल दूसरी है, जो नकल हुए हैं दलाइल। उसमें उन्होंने जो बुनियादी दलील जिसको अपने किताब की हेडिंग के तौर पर भी पेश किया, उन्होंने पहले पेज के ऊपर दिबाचे के स्टार्ट में जिसको हेडिंग बनाया है और जिसके ऊपर पूरे का पूरा मुकदमा खड़ा है, वो आयत है सूरह फातिर की आयत नंबर 41। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये पारा नंबर 22 के अंदर सूरह फातिर है, ऑलमोस्ट इसके एंड पे जाके आती है। इन्नल्लाहा युम्सिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, बेशक अल्लाह ही ने थाम रखा है आसमानों और जमीन को कि कहीं टल ना जाएं, जवाल पजीर ना हो जाएं, अपनी जगह से हिल ना जाएं। वला इन जालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादी, और अगर ये अपनी उस जगह से हिल जाएं तो कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो उनको थाम सके, उसके बाद अपनी पोजीशन पे वापस ला सके। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक वो यानी अल्लाह बुर्दबार है और मुआफ करने वाला है, यानी वो उसकी बुर्दबारी है शिर्क होते देख रहा है और हिल्म है उसके अंदर, वो डील देता है कि शायद लोग उसकी तरफ पलट आए। वो कहते हैं ये जो अल्फाज है ना युम सिको, इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने उनको एक जगह रोका हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। अगर आप ये मतलब निकालना शुरू करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सूरतुल मुल्क तो सारे ही पढ़ते हैं ना जी रात को सोने से पहले, ये तो हमारे वज़ाइफ में से है ना। सूरतुल मुल्क में एक आयत आती है परिंदों के हवाले से, आयत नंबर है 19। अवलम यरौ इला तैर फौकहुम साफातिन व यक्बिद, क्या तुम लोगों ने अपने सरों के ऊपर परिंदे नहीं देखे जो पर फैलाते हैं और समेटते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, वो ये अल्फाज आ गए युमसिकु, उनको नहीं थाम रखा मगर रहमान ने। इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को देखने वाला है। तो ये अल्लाह ने जो आसमान के अंदर परिंदे थामे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है परिंदे आगे पीछे नहीं जाते? अल्फाज वो ये युमसिकु, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला ने उनमें ये कॉम्पिटेंसी पैदा की है कि वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं, यानी वो उड़ते हुए चलते भी रहते हैं, आगे पीछे भी जाते हैं। वो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है, जो हवा की कुव्वत उछाल है जिसकी वजह से हवाई जहाज और परिंदे हवाओं में उड़ते हैं और समुद्रों के अंदर बैरी जहाज तैरते हैं, कुव्वत उछाल जिसे अर्शमीदस प्रिंसिपल के तहत जिसको वो कैलकुलेट किया जाता है, वो कुव्वत उछाल अल्लाह ने रखी हुई है। तो यहां पे युमसिको का तर्जमा को ये करेगा कि परिंदे एक जगह ही रुके हुए, उसमें तो अल्फाज हैं कि पर फैलाते भी हैं इकट्ठे भी करते हैं। अगर सिर्फ फैलाने का होता ना तो ये कहते हैं देखो बाज का टेंट खिलौते भी रहते हैं ना, लेकिन जब वो फैला रहे और इकट्ठे कर रहे होते हैं उसमें खड़े नहीं हुए होते, आगे जा रहे होते हैं।
जिसे ट्रेन है, ट्रेन को अपने उस महवर में रखने के लिए दो पटरियां हैं और उसमें उनके जो पहिए हैं उसका एक्सटेंडेड पोर्शन है, और अगर स्पीड से वो किसी कॉर्नर से गुजरे गोल दायरे से तो वो बाज का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी हो जाती है कि वो पटरी से उतर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पटरी ने ट्रेन को अपनी जगह पे रखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेन एक जगह पे रुकी हुई है, बल्कि इसी तरीके से अल्लाह तआला मानता है हमने इसे बैलेंस किया हुआ है कि अपनी जगह से, यानी जिस महवर पे हमें हमने उसे सेट कर दिया, वो 23.5 का एंगल है नॉर्थ के साथ, और नॉर्थ से देखें तो एंटी क्लॉक वाइज मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है जमीन। ये दो बड़ी मोशंस है ना जमीन की, एक जमीन अपने महवर के गिर्द घूमती है हर सेकंड में आधा किलोमीटर, और बेक वक्त वो रिवॉल्व भी कर रही होती है सूरज के अराउंड, वो एक सेकंड में 30 किलोमीटर है जी। और एक तीसरी मोशन है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो पूरा निजामे शमसी इंक्लूडिंग जमीन और तमाम सेटेलाइट सूरज के समेत 200 किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर रहे हैं। पता नहीं कितने जा रहे हैं जनाब, एड्डी वड्डी कायनात है अल्लाह दी, 200 किलोमीटर एक सेकंड में। इस पे आपके अकली सवालात भी आएंगे, मैं उसको बाद में डील करता हूं। क्या हमें पता क्यों नहीं चल रहा, मैं दसना जनाब, किसी साइंटिस्ट को बहुत तो दसेगा ना कि ये पीछे की साइंस है। ये तीन बड़ी मोशन है, एक चौथी भी है वो जो अपने महवर के 23.5 का एंगल है ना, उसमें भी जमीन यूं यूं भी करती है, वो भी कमाल उसकी मोशन है। चार मोशन है। तो ये अल्लाह ताला ने सारे मामले को बैलेंस किया हुआ है कि वो उस महवर से नहीं हटती, वरना तो अगर ये 23.5 का एंगल ही खत्म हो जाए, आपके मौसमों की तब्दीली खत्म हो जाए, वो सारे मौसम तब्दील उसकी वजह से हो रहे हैं। और किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसे एक महवर के गिर्द घुमाया हुआ है, उसकी वजह से आप देखते हैं जब अफ्रीका में गर्मियां होती हैं हमारी सर्दियां चल रही होती हैं, जब हमारी सर्दियां आती हैं उनकी गर्मियां चल रही होती हैं, इस तरीके से क्या मामलात हैं। ये तो एक अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है। सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। तो ये उन्होंने बड़ी दलील ली थी, और उसके पीछे आपको मैंने बता दिया कि उन्होंने उसका फॉर्म समझने में गलती की। इसमें सुकून का तो लफ्ज ही कहीं मौजूद नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक जगह पर रोक के रखा है, नहीं, अल्लाह कह रहा मैंने थामा हुआ है उसको कि अपनी जगह से टल ना जाए, जो हमने ट्रैक मुकर्रर किया उससे टल ना जाए। तो खाम खा इसके अंदर सुकून वाला मामला पैदा करना यह बिल्कुल गलत है, अगर करेंगे तो फिर परिंदों के मामले में भी करें। यह मैंने एंटी वैनम थकी वाला इल्जामी जवाब भी दे दिया कि सेम वही युमसिकु कल लफ्ज जो है वो परिंदों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अब मुझे बताएं, ये उलमा को जवाब कोई साइंटिस्ट नहीं दे सकता, और साइंटिस्ट को कुरान को मौलवी नहीं समझा सकता, ये मुश्किल काम है। अच्छा जी, ये तो होगी उनकी बड़ी दलील जिसके ऊपर वो खड़े हुए थे। अच्छा, लेकिन यहां पे मैं एक जान के मान पाऊं तो एक चीज अर्ज करूं कि आला हजरत ने जो ये अकीदा लिखा ना, जमीन साकिन है में, कि अल्लाह ताला ने जमीन आसमान को थाम रखा है, काश उनका यह अकीदा अपने मलफूजात के अंदर भी होता। मलफूजात की आप पहली जिल्द निकालें, उसके एंड पे आप चले जाएं, दुनिया से जहां भी आप मलफूजात आला हजरत उठा लें, अगर कोई आला हजरत की अपनी वेबसाइट alahazrat.net जो बरेली की है उसको खोल लें, वो जो मलफूजात का पहला हिस्सा है ना, उसके आखिर में चले जाएं, फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, आखिर से पांचवें नंबर पर, कि उनसे पूछा गया कि हुजूर गौस क्या हर जमाने में होता है, तो कहते हैं अगर गौस ना हो तो जमीन और आसमान कायम ही नहीं रह सकते। तो अब हम आला हजरत से पूछते हैं कि आप साइंटिस्ट को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको कौन पूछेगा और आपके मानने वालों को कि कुरान में सूरह फातिर आयत नंबर 41 में आया कि अल्लाह ने जमीन और आसमान थाम रखे हैं, जमीन और आसमान अल्लाह तआला फरमा रहा है कि अगर इनको ना थामे और ये अगर टल जाए तो कोई एक भी नहीं इनको संभाल सकता, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि गौस ने जमीन और आसमान को थामा हुआ है। तो अब हम कुरान का कीदा माने या आपका वो की, या बल्कि हमें कहना चाहिए हम कुरान से आपका वो कीदा माने जो आपने जमीन साकिन है में लिखा है, या आपका वो कीदा माने जो आपने मलफूजात आला हजरत में लिखा है। और ये ना कहिएगा, ये बात लोग इससे जान छुड़ाते हैं, वो कहते हैं जी मलफूजात तो उनके बेटे ने जमा किया है, तो बेटा तो उनका गौसे वक्त था, तो इसका मतलब है वो गुमराही, वो मुफ्ती आजम हिंद फैला के गए, मुस्तफा रजा खान नूरी जिन्होंने नाद लिखी है ना, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, उनका छोटा बेटा था,
वो कहते हैं उन्होंने जमा किए हैं तो आला हजरत पे ना थोपे। सर यहां ये भी आपका लेम एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, क्योंकि मजे की बात आपको बताऊं, जो पहला हिस्सा है ना मलफूजात का, वो आला हजरत ने लफ्ज ब लफ्ज खुद पढ़ा हुआ है। ये शब्बाशी वाली इबारत से तो जान छुड़ा सकते हैं कि वो बाद में आई है, बेटे ने डाल दी, उन्होंने नहीं कही होगी। पहले हिस्से के एंड पे आला हजरत ने एक रुबाई लिखी है उस मलफूजात की शान में, क्योंकि शायर तो बहुत बड़े थे ना, तो उन्होंने अपने मलफूजात की शान में कि मेरे बेटे ने जमा किया, उसको उर्दू में उन्होंने पूरी रुबाई लिखी है। यानी पहला हिस्सा आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है, तो आला हजरत ने यह पढ़ी हुई है बात। वैसे भी आपको किताब पढ़े ना, शुरू और आखिर के सफे तो बंदा वैसे ही पढ़ता है, उन्होंने पढ़ा हुआ है कि उसमें क्या अकीदा उन्होंने बताया, और वैसे ही उनका अकीदा है, जाहिर है, तो पेश करते हैं। तो जब हम ये बात कहते हैं कि कुरान में तो ये अकीदा लिखा है कि अल्लाह ने थामा हुआ है, और आप कह रहे हैं गौस, तो कहते हैं गौसों की नाफरमानी कर रहे हैं, उनकी गुस्ताखी कर रहे हैं, तो ये गुस्ताखी तो आला हजरत खुद करके गए। अब ये बातें तो मैंने ही करनी थी ना, जमीन साकिन है, मैं आपको सही कीदा भी बताना है कि अल्लाह ने जमीन को थामा हुआ है, आसमान को थामा हुआ है। अच्छा जी, दूसरी बड़ी दलील जो उन्होंने तीन आयात कुरान से ली है और इसके ऊपर पूरा मुकदमा उन्होंने खड़ा किया है, बाकी सब की सब चीजें इसके अंदर शामिल है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 22, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध फिराशा, वही अल्लाह वो हस्ती है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बिछौना बनाया। सूरह अज़ुख़रुफ आयत नंबर 10, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध महदा, वो अल्लाह है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए गोद बनाया। ज़ाहिर इंसान मरता है इसी के अंदर दफन हो जाता है, ये इसीलिए धरती मां का लफ्ज, हर चीज इसके अंदर समोई जाती है, एक गहवारा बना दिया। और सूरतुल मुमिन जिसे सूरह गाफिर भी कहते हैं, आयत नंबर 64, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध करारा, अल्लाह तआला ने इस जमीन को करार की जगह, रहने की जगह बनाया। वो कहते हैं जी ये फिराशा के अल्फाज आए हैं, फिराशन, करारन और महदन, और वक्फ करेंगे तो महदा, फिराशा और करारा बन जाएगा। ये मैं उलमा के लिए बात करूं, तो वो कहते हैं इससे ये साबित हुआ कि जमीन फ्लैट भी है क्योंकि अल्लाह ने इसको बिछौना बनाया, और स्टेबल भी है। सर इसका ये मतलब नहीं है, ये कुरान में कहां लिखा हुआ है कि जमीन फ्लैट है? कहीं भी नहीं लिखा। फर्श बनाने का तो ये मतलब ही नहीं है, फर्श बनाने का मतलब है इसे रहने के काबिल बनाया। ये आज हमें साइंटिस्ट बताते हैं कि मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक्स हर साल आते हैं, बल्कि कैलकुलेशन ये है जो प्रिसाइज है कि हर सेकंड में जमीन में दो जलजले आते हैं जिनका एम्पलीट्यूड कम होता है, अगर वो ज्यादा हो तो जमीन बर्बाद हो जाए। हर सेकंड में दो जलजले, मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक्स हर साल आते हैं, तो उन अर्थक्वेक्स के एम्पलीट्यूड को ना बढ़ने देना, इसके बावजूद हमें स्टेबल रखना, और जमीन की इतनी बड़ी बड़ी तीन मोशंस के बावजूद स्टेबल रहना, यह अल्लाह तआला ने इसे करार की जगह बनाया है और ये फिराश बनाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अर्थ फ्लैट है। और सर ये तो कभी भी किसी का अकीदा नहीं था अर्थ फ्लैट है, चांद गोल नहीं देखते थे? शुरू से गोल नजर आ रहा है, फ्लैट तो किसी को नजर आता, और फिर वो आपको मुख्तलिफ औकात में उसके जो धब्बे हैं मुख्तलिफ नजर आते हैं। तो उससे पुराने जमाने को भी में लोगों को पता था कि ये जो चांद है ये स्फेरिकल है, सूरज की तरफ तो आप गौर से नहीं देखते, चांद के धब्बों को तो आप यूं करते हुए देख सकते हैं, तो पता था ये स्फेरिकल है। ये कोई ये नहीं है कि सिर्फ गोल प्लेट की तरह है, ये भी कहते हैं ना गोल है लेकिन फ्लैट है, नहीं ये स्फेरिकल है बॉल की तरह, ये सबको पता था, हमारे पुराने साइंटिस्ट भी थे उनको ये बातें पता थी। तो इन आयात का इन्होंने बिल्कुल गलत मतलब लिया, ये मतलब हमें साइंटिस्ट बताते हैं। और सर इसी तरीके से कुरान हकीम में जो आया कि हमने पहाड़ों को मेखें बनाया है कि जमीन डोले ना, तो वो जमीन को बैलेंस करने के लिए डायनेमिक बैलेंसिंग है उसकी, जैसे आप कभी व्हील की बैलेंसिंग करवाते हैं तो वेट ऐड करते हैं, कोई चीज घूम रही हो ना तो उसमें बहुत तेजी से इरताश पैदा होता है, अगर जरा सी भी वो इम्बैलेंस हो तो वो बैलेंस करते हैं वेट ऐड करके। तो जमीन पे ये वेट्स मुख्तलिफ जगह पे अल्लाह तआला ने ऐड किए हैं पहाड़ों की शक्ल में, इसकी डायनेमिक बैलेंसिंग है ना कि स्टैटिक बैलेंसिंग। तो ये हमें साइंटिस्ट बताएंगे, जरा जियोलॉजी की फील्ड का मसला है ना, ये वही लोग बताएंगे, ये वही लोग बताएंगे कि जिन्होंने मेहनत करके आपके हाथ में स्मार्टफोन दे दिए जिसपे आप यूं यूं करते हैं अपनी तकरीरें देख के खुश होते हैं, ये किसी हाफिजाउल्लाह या दामद बरकातुम आलिया रहमतुल्लाह अलैह का तो बनाया हुआ नहीं है ना, उन्होंने साबित कर दिया। और सर जमीन का गोल होना, इसकी मूवमेंट को तो आप फिजिकली ऑब्जर्व कर लिया गया सैटेलाइट में जाके, उसके इमेजेस आते हैं, वीडियोस भी आती हैं, और सैटेलाइट सिर्फ काफरों के छोड़े हुए नहीं, पाकिस्तान का भी 80s में एक सैटेलाइट गया हुआ है, दुनिया में कितने मुसलमान ममालिक हैं जिनके सैटेलाइट इस वक्त
فضا کے اندر موجود ہیں، جو زمین کو گھومتا ہوا جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول ہونا بھی، اور لائیو ویڈیوز پڑی گی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میرا خود بھی تعلق ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہے جہاں پہ ڈیفنس کا کام ہوتا ہے. میں نے فزیکلی، یعنی آپ میرے اوپر تو اس اعتبار سے اعتبار کر لیں کہ جو ہمارے جو میزائل سسٹم کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو پاکستان کے میزائل چھوڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیمرے فٹ کیے ہوتے ہیں، اور ریئل ٹائم ڈیٹا نیچے ویڈیو میں ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے کئی میزائل جو ہیں وہ کتنے کلومیٹر اوپر تک جاتے ہیں، 50 کلومیٹر اوپر تک زمین سے. اب ایک میزائل اگر 50 کلومیٹر زمین سے اوپر گیا ہوا ہے، آپ کے ہوائی جہاز وغیرہ تو یہ 10 کلومیٹر سے زیادہ اوپر نہیں جاتے جو بوئنگ اور ایئر بس کے، لیکن میزائل چونکہ وہ ریئر ایٹماسفیئر میں چلا جاتا ہے جہاں آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ زمین کی وہ ایٹماسفیئر کی ڈینسٹی بہت کم ہوتی ہے، تو یقین کریں وہ اڑنے سے لے کر اس کے گرنے تک کی پوری ویڈیو لائیو آ رہی ہوتی ہے. تو میں نے وہ ویڈیو کئی بار دیکھی ہے، جیسے ہی وہ وہاں سے لانچ کرتا ہے، وہ جیسے ہی وہ ہائٹ پہ جانا شروع کرتا ہے نا، تو کرتے کرتے زمین آہستہ آہستہ گول ہونی نظر آتی ہے، پوری پوری کرویچر گول کی گول نظر آتی ہے، کوئی فلیٹ نہیں ہے زمین. یہ تو مسلمانوں نے آبزرو کیا ہوا ہے، اور سیٹلائٹ جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. تو یہ تو وہ منظر ہے جو میں نے ریئل ٹائم دیکھا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے یوٹیوب کے اوپر جعلی ویڈیوز ہیں تو جعلی ویڈیو نہیں ہے، ترکی کا بھی سیٹلائٹ ہے، پاکستان کا سیٹلائٹ ہے، اور کئی اسلامی ملک ہیں جن کے سیٹلائٹ جو ہیں موجود ہیں، جن کے اندر سے ریئل ٹائم آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی زمین موو بھی کر رہی ہے اور زمین جو ہے وہ گول بھی ہے. لہذا اب یہ اس معاملے میں کوئی وہم نہیں رہ گیا، اور یہ پوری دنیا کے جو ٹی وی چینلز کا سلسلہ ہے انہی سیٹلائٹ کے اوپر چل رہا ہے، آپ کے موبائل فونز کا سارا سلسلہ، یہ آپ سارے مانے ہوئے ہیں. یہ کس کے اوپر چل رہا ہے؟ پوری دنیا کا جو نیویگیشن کا سسٹم ہے ایروپلینز کا، وہ سارے کا سارا اس کے اوپر چل رہا ہے. ہوائی جہاز جو ڈیٹا لے رہا ہے اپنی سمت کا، وہ سیٹلائٹ سے لے رہا ہے. تو فزیکلی انہوں نے سب کچھ کر کے بتا دیا، لہذا اب اس کا انکار آج کے دور میں تو ناممکن ہے. اب رہا وہ عقلی دلائل جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ جی زمین اگر ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سال مکمل ہوتا ہے، اور ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا یہ دن رات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر پورا نظام شمسی 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سٹار ویگا کی طرف ٹریول کر رہا ہے پچھلے اربوں سال سے، تو ہمیں فیل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ کہتے ہیں جی اس کی آپ عقلی دلیل ہمیں دیں، تو ذرا سی چیز پہ بھی آپ بیٹھیں تو فیل ہوتی ہے. میرے بھائی یہ ذرا سی چیز تب فیل ہوتی ہے جب یہ کسی ٹائر کے اوپر، کسی زمین پہ ناموار چیز پہ چل رہی ہو. آپ ہوائی جہاز کا کبھی سفر کریں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ آلموسٹ یہ جو بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 ہے نا، یہ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کو لگا ہوتا ہے ایک ہی جگہ ہے، کیونکہ ایئر کی ریزسٹنس بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو زمین کے، تو فیل نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ساری بات فیلنگ کی ہے. اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا کہ کھانا جو ہے وہ کوئی لا کے رکھے تو 1000 کلومیٹر دور چلا جائے گا، وہ ادھر ہی پڑا رہے گا، کیونکہ ساری چیزیں اسی رفتار سے ٹریول کر رہی ہیں. یہ جناب چیز ہے جو کامن آبزرویشن ہے، لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ صدیوں سے لوگ آبزرو کر رہے تھے، لیکن یہ آئنسٹائن کے دماغ میں اللہ نے بار ڈالی، المتوفا 1956 عیسوی، 1956 میں فوت ہوئے. آئنسٹائن جو ہے انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے سائنس ہی بدل کے رکھ دی. لوگ تو نیوٹن کے اوپر کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، لیکن اس نے آ کے نئی جہتیں کھولی، اور اس نے بھی کامن آبزرویشن کی کہ یہ آپ جب ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، ٹرین تیزی سے آپ کے پاس سے گزر جاتی ہے، تو ٹرین کے اندر جو بندہ بیٹھا ہے نا، اس سے ٹرین کے باہر جو بندہ کھڑا ہے نا، وہ تیزی سے پیچھے جاتے ہوئے نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو باہر والا تو بےچارا صحیح آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے پاس سے گزر جاتا ہے. اس کو آپ مزید آبزرو کر سکتے ہیں، کبھی آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو نا، تو آپ کے دائیں یا بائیں کوئی اور ٹرین کھڑی ہوئی ہو، اور اچانک وسل ہو اور ٹرین چلنی شروع ہو، اور آپ کے ساتھ والی ٹرین چل رہی ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹرین چلنا شروع ہو گئی ہے. یہ تو آپ نے آبزرو کیا نا. وہ جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہو، کہتے ہیں نہیں وہ بھی چلتی ہے. سر یہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن نے آبزرو کر لی تھی، کہ ہم ریلیٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو،
उसको देख के आपको लग रहा था कि आप चल रहे हैं, हालांकि वो चल रही थी। और इधर जब आपने देखा, जब आपने रेफरेंस चेंज किया तो आप एक जगह पे खड़े थे। ट्रेन के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है उसके साथ जो सवारी बैठी है वो भी 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, लेकिन उसको वो एक जगह नजर आ रही है, क्योंकि उसके एतबार से वो खुद भी जो उतनी रफ्तार से मूव कर रहा है, इसलिए उसको फील नहीं होता। अब ट्रेन के अंदर कोई अपना हाथ में एक टेनिस बॉल लेके यूं उछाले तो उसके हाथ में वापस आएगा। आपकी बात अगर वो वाली मान लीजिए तो उछालते ही उसको 100 किलोमीटर पीछे चला जाना चाहिए, नहीं, इसलिए कि वो ऑलरेडी इस पूरे सिस्टम के साथ मूव कर रहा है। इसी तरीके से ये पूरा निजाम शमसी है, जमीन हर चीज को अपने साथ लेके मूव कर रही है। तो अब आपको जो सऊदी मुफ्ती ने एक इतराज किया ना, उसने कहीं लेक्चर दिया है और वो गूगल पे खूब मजाक उड़ाया हुआ है साइंटिस्ट ने, वो कहता है अगर यही बात मान लीजिए ना, तो जब जहाज उड़ता है ना, जब जहाज हवा में जाता है तो नीचे से जमीन जो है वो खुद ब खुद, यानी अगर मैं आपको समझाऊं आज के एतबार से, क्योंकि सूरज जो जमीन है वो अपने मेवर के गिर्द जो है वो मगरिब से मशरिक की तरफ रोटेट कर रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब से अगर सिर्फ जहाज हवा में ही जाए ना तो उसे थोड़ी देर बाद पाकिस्तान खुद ब खुद पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि नीचे से जमीन ही घूम गई होगी। तो वो कहता है जब ये हवा में जाता है नीचे जमीन पूरी घूम के, हम अमेरिका खुद ब खुद क्यों नहीं पहुंच जाते हैं? तो उसका जवाब यह है मेरे भाई कि जमीन सिर्फ खुद नहीं मूव कर रही, एटमॉस्फेयर जो जमीन के ऊपर है जिसमें से पहले 50 किलोमीटर जो है वो डेंस एयर के हैं, ये पूरा एटमॉस्फेयर जमीन के साथ मूव कर रहा है। जैसा कि ट्रेन में आप बैठे हुए ना, तो वो ट्रेन में हर सवारी हर चीज आपके साथ मूव कर रही है, आपके एतबार से वो स्टेग्नेशन है, बाहर के एतबार से मूव कर रही है। तो जब जहाज उड़ रहा होता है ना, जहाज जब उड़ रहा होता है ना, तो वो जो जमीन की अपनी रफ्तार है ना उसके एतबार से वो ऑलरेडी उस फिजा में भी उस स्पीड से चल रहा होता है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि एयर की रेजिस्टेंस क्या है। अगर हवा उस तरफ चल रही होगी तो फिर ज़ाहिर नहीं फी वो होगा, हवाओं का रुख भी है। जिस तरह आप इस्लामाबाद से कराची जाए ना, तो आपको अगर 2 घंटे लगते हैं ना, तो कराची से इस्लामाबाद के 1.25 घंटे लगते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि समुन्द्र से हवाएं उड़ के इस तरफ आ रही होती है, तो इस वजह से वो टाइम का फर्क आता है। वो अगर एयर रेजिस्टेंस खत्म हो जाए फिर तो बराबर। अच्छा, अब इसको सपोर्टिव एक और दूसरी बात है, कहते हैं ये जहाज जो नीचे जमीन गायब क्यों नहीं हो जाती, तो इनको ये बताएं कि सैटेलाइट जो है ना जब छोड़े जाते हैं, आपको पता है सैटेलाइट जिस मुल्क के ऊपर छोड़ा जाए ना, अगर आप जहाज को ले जाए ना खला के अंदर, फिर वाकई ऐसे होगा कि एक जगह खड़ा होगा ना तो थोड़ी देर बाद अमेरिका पहुंच जाएगा जहाज, क्योंकि खला जो है वो इसके साथ मूव नहीं कर रही, रोटेट नहीं कर रही। और यही वजह है कि जब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं ना खला के अंदर, उनको एंगुलर स्पीड जमीन की देनी पड़ती है, वरना अगर पाकिस्तान ने सैटेलाइट छोड़ा है ना, थोड़ी देर बाद वो चाइना पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, फिर अमेरिका पहुंच जाएगा, पाकिस्तान लब्धा रहेगा अपना सैटेलाइट। वो क्या करते हैं, जब सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, तो जिस रफ्तार से जमीन घूम रही है ना वही स्पीड उस सैटेलाइट को भी देते हैं, तभी वो साथ साथ उस तरीके से मूव करता रहता है। सैटेलाइट स्पीड में छोड़ा जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर जो, चूंकि पूरा एटमॉस्फेयर मूव कर रहे हैं, वहां आप ये फील नहीं कर सकते। तो ये वो जो शैतान अगर आपको वसवसा दिलाए कि जब हवाई जहाज ऊपर जाता है तो वो खुद ब खुद अमेरिका क्यों नहीं पहुंच जाता, तो आप थोड़ी सी साइंस सीख लें, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ लें, जो उसने कॉमन ऑब्जर्वेशन की थी। अच्छा, अब आ जाए मेरे भाई इस नजरिए की तरफ। ये दो नजरियात हमेशा से इंसानियत में रहे हैं, और कबलज मसीह हैं, नबी इस्लाम से भी पहले के। एक जियो सेंटरिज्म है कि जमीन कायनात का महवर है, हर चीज के गिर्द घूम रही है, और दूसरा है हीलियो सेंटरिज्म कि सूरज सेंटर में है, अगरचे सूरज भी मूव कर रहा है पूरे सोलर सिस्टम के साथ, लेकिन सोलर सिस्टम के जो सैटेलाइट हैं वो इसके गिर्द घूम रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि ये 1615 के अंदर आके गैलीलियो ने ये जो है वो मुसीबत इंसानियत को डाली, उससे पहले किसी का कीदा नहीं था, हमेशा से था। सर गैलीलियो तो आया 1615 में, उसने टाइड्स के ऊपर अपनी किताब लिखी है। गैलीलियो से भी 600 साल पहले अल बैरूनी जो मुस्लिम साइंटिस्ट था, 1973 ईस्वी में पैदा हुए और 1050 ईस्वी में फौत हुए, 8 से 1000 साल पहले, उनकी किताबें दुनिया में मौजूद हैं जिसमें उन्होंने जमीन को गोल भी लिखा है और जमीन का सरकमफ्रेंस पूरा मालूम किया है उन्होंने, जो सबसे एक्यूरेट सरकमफ्रेंस है उतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, सिर्फ 2% का एरर है आज के साथ, उस बंदे ने उस वक्त कैलकुलेट किया सिंपल मैथमेटिक्स के जरिए। तो
وہ البرونی بھی اس میں لکھتا ہے کہ زمین جو ہے وہ موو کرتی ہے. تو یہ گلیلیو کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ان لوگوں نے. یہ تو مسلم سائنٹسٹ کا بھی نظریہ تھا. گلیلیو کو تو سزائیں بھگتنی پڑی چرچ سے, لیکن پھر اس کے مشن کو آگے لے کے چلا نیوٹن. لیکن البیرونی کو آپ نہیں ثابت کریں گے کہ سلطنت عباسیہ نے کوئی سزا دی ہو کہ تُو نے قرآن کے خلاف عقیدہ رکھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر بھی قرآن کے خلاف اس عقیدے کو نہیں مانا جاتا تھا, ورنہ تو البیرونی کو ٹانگ دیا جاتا. اچھا آپ ان مسلم سائنٹسٹ کا تعارف گوگل میں جا کے پڑھیں تو وہ بھی خود ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت اتنے انٹلیکچوئل تھے, اور مسلمان ان کو آن کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہو رہے, وہ الٹا مسلمان تو ان کے اوپر کفر کا ہی فتویٰ لگا دیں گے. تو یہ بالکل ان کی نان سینس اپروچز ہیں. اچھا اعلی حضرت اس کتاب میں نا آپ کو پتا ہے یہ مین جو بندہ ہے نا کوپرنیکس ہے, جس نے یہ سارا سیٹلائٹس کے اوپر پوری ورکنگ کی, اس کے بعد کیپلر اور پھر گلیلیو اور پھر نیوٹن, یہ چار بڑے بندے ہیں. تو اعلی حضرت نے نا اس میں لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کوپرنیکس کی بدعت دلالہ. وہ لوگ جو بدعت کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے, جن کے اپنے مال کے اندر, میں نے کہا چلو بدعت دلالہ کا لفظ تو انہوں نے یوز کیا ہے, اور اس طریقے سے آئنسٹائن کو بھی انہوں نے برا بلا کہا. بہرحال ایک پازیٹو چیز ہے کہ انہوں نے امام غزالی والا مسئلہ حل کر دیا. امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا تھا کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے, اور اعلی حضرت نے اپنی کتاب زمین ساکن ہے میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. ایک بات وہ مان گئے کہ بزرگوں کے پاس جو علم سائنس تھا وہ کمزور تھا, اور ظاہر اعلی حضرت نے خود کوئی انوینشن نہیں کی ہے, مارے فلکیات کی چیز انہوں نے کوٹ کی ہے. پھر وہ اعلی حضرت اس میں کہتے ہیں کہ جب یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے تو اور گریویٹیشنل فورس بھی ایگزسٹ کرتی ہے, تو اگر سورج کے گرد زمین چکر کاٹ رہی ہوتی ہے, اکلی دلیل ہوتے رہے, تو 13 لاکھ بندے اگر ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک بندہ ایک طرف ہو, تو 13 لاکھ بندے اس ایک بندے کو گھسیٹ نہیں لیں گے اپنی طرف. تو کہتے ہیں کب سے یہ زمین جو ہے نا سورج کے اندر جا کے گر کے ختم ہو گئی ہوتی ہے, اگر ہم آپ کی یہ والی بات مان لیں کہ اس کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے قوت کشش ثقل گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے. تو اس کا سائنٹیفک آنسر یہ ہے, اعلی حضرت کے ماننے والوں کو ہی دے سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں, کہ صرف سینٹری پیٹل فورس نہیں ہوتی ہے, سینٹریفیوگل فورس بھی ہوتی ہے, اور یہ دونوں فورسز جب بیلنس ہوتی ہیں نا پھر کوئی چیز کسی دوسری چیز کے گرد روٹیٹ کرتی ہے. تو وہ جو زمین جا کے سورج میں گر نہیں جاتی, وہ اس وجہ سے کہ زمین کو اللہ نے رفتار اتنی دی ہے گھومنے کی کہ وہ رفتار سینٹریفیوگل فورس, وہ فورس جو سینٹر سے آپ کو دور کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ اتنی فورس ہے کہ اس کو اندر گرنے سے روکتی ہے. اور اس کو آپ آبزرو کریں گے موت کے کنویں کے اندر, موٹر سائیکل جب سپیڈ میں گھومتا ہے تو وہ موت کا کنواں جو سرکس میں ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر تک آ جاتا ہے, تو بیچ میں کیوں نہیں گرتا, اپنی سپیڈ کی وجہ سے. لیکن اگر تھوڑا سا اوپر چلے گا تو باہر جا کے ضرور گر جائے گا. تو زمین کی بھی ذرا سی فورس ڈسٹرب ہوتی تو زمین سورج کو چھوڑ کے بھاگ جاتی, اور ذرا سی کم ہوتی تو سورج کے اندر گر کے فنا ہو جاتی. یہ اللہ نے بیلنس کیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامینا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے ان تمام چیزوں کی. آپ گھر میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں, کسی چھوٹی سی بالٹی کے اندر یا جگ کے اندر ایک وہ بنٹا رکھ کے آپ شیشے کی گولی اس کو یوں گھمائیں تو آپ دیکھیں وہ دیواروں سے اوپر چڑھتی, کیوں, وہ اس کے اندر اس سپیڈ کی وجہ سے ایک سینٹریفیوگل فورس جو اسے سینٹر سے دور رہنے پہ مجبور کرتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو زمین کو جو اللہ نے سپیڈ دی ہے نا سورج کے گرد 30 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں, یہ سپیڈ اس کو مجبور کرتی ہے کہ سورج سے دور بھاگے, اور سورج جو اس کو کھینچ رہے ہیں نا وہ 13 لاکھ بندے جو کھینچ رہے ہیں وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ سورج کے اندر گر جائے. تو وہ سپیڈ اتنی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نہ وہ حاوی ہوتا ہے نہ یہ حاوی ہوتا ہے, اور بیلنس ہو کے الپٹیکل آربٹ کے اندر وہ گھومتی رہتی ہے اور بیلنس رہتی ہے. یہ اللہ کے کام ہے جی. تو باقی باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ تھی, خیر ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن یہ میں نے مقدمہ پورا اس لیے کلیئر کیا کہ آندہ کوئی 1000 وسوسے بھی آئے نا علماء دین کی طرف سے یا سائنٹسٹ کی طرف سے, دونوں میں نے کور کیے ہیں, وہ کم از کم آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے. باقی پھر بھی میں آخر میں کہوں گا کہ میرے جو 3 لیکچرز ہیں, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, اور ہو کریٹڈ گاڈ,
रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डिल्यूजन का जो मैंने पोस्टमार्टम किया है, और तीसरा मेरा लेक्चर कुरान वर्सेस मॉडर्न साइंस। ये तीनों का लिंक भी हम अपनी वीडियो के नीचे दे देंगे। कई बातें जो आज मैंने स्किप की हैं वो इंशाल्लाह उसको सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो इसको कुरान और सुन्नत का मसला बनाकर पेश किया जा रहा है, ये बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं। कुरान और सुन्नत इसकी स्पोर्ट के अंदर नहीं है। कुछ अहदीस भी उन्होंने पेश की थी, वो मैंने स्किप कर दी, इसलिए कि वो खुद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, वो इसके साथ रिलेटेड है ही नहीं है। तो असल चीज मुकदमा कुरान के ऊपर खड़ा हुआ था, वो मैंने बयान कर दिया, और जो अहदीस थी उनकी, जो उन्होंने मेन अहदीस ली, मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन भी बयान कर दी है, ताकि आपको मामला समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि एक नौजवान आदमी, जिस तरह आज कल लोग जो है वो मुतनफर हुए हैं, मैं फिर वो आखिर में वही बात करूंगा कि आमिर खान ने पी के फिल्म बना के जो लोगों के मिथ्स तोड़े थे और हिंदुइज्म की कमजोरियां लोगों पे हाईलाइट की थी, हमारे लोगों ने ये, अच्छा उसने तो पीके फिल्म बनाई ना, वो कहते हैं उसको, कहते हैं साजिश की है, ये पाकिस्तान वाला पीके है, क्योंकि हमारी फ्लाइट्स भी होती है ना पीके, तो इन्होंने जो है इंडियन फिल्म बनाई है जो ये, उसने इस्लाम की बदनामी कर दी है कि जी जमीन साकिन है और कुरान का ये अकीद है। और आप देख लें, किसी मौलवी की जरूरत नहीं हो रही है कि, और जिन लोगों ने क्लिप भी बनाया मैंने वो देखे, उन्होंने उनके दलाइल का जवाब नहीं दिया, बस ये कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है। तो कुरान से जो दलाइल पेश कर रहे हैं, आप बताएं कि आपको समझने में यहां पे गलती लगी है और हकीकत ये है। ठीक हो गया जी।